जब अपडेट की बात है, परीक्षा प्रक्रिया तेज, नए परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के लिए क्या कुछ व्यापन अपडेट किया, देखते हैं शॉर्ट में। चलिए यहाँ आप देखेंगे कि हमारे जो व्यापम की वेबसाइट है, एडवर्टीजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर ऑन डिपुटेशन पीबी भोपाल, ये अभी कल 22 सितंबर की अपना अपडेट है। तो इस पे अब जो बात कही गई है, इसके पूरे जो हमारा इसका एडवर्टीजमेंट है, उसके अगर मैं चर्चा करूँ तो क्या कुछ कहना चाह रहा है। एक्चुअली में आपको पता है कि AKS भदौरिया अभी कुछ दिन पहले कोरोना वायरस के कारण जो है वो परीक्षा नियंत्रक थे, और अभी तक जो परीक्षा नियंत्रक थे वो टेम्परेरी बेस पे चला जाए उनके बाद, तो इसलिए जो है एक परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की जा रही है। और उस परीक्षा नियंत्रक क्या करते हैं, वही एग्ज़ाम को पूरा कंट्रोल करते हैं। चेयरमैन के नीचे जो है एक परीक्षा नियंत्रक होते हैं जो कि क्या करते हैं, एग्ज़ाम को कंट्रोल करते हैं। इसलिए विज्ञापन जारी किया गया है, ठीक है। और परीक्षा नियंत्रक के लिए एक बड़ी विशेष योग्यता ये है कि इंजीनियरिंग महाविद्यालय के प्राध्यापक, मतलब जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं या उसके समकक्ष स्तर के अन्य विभाग के अधिकारियों के स्थानांतरण से जिन्हें परीक्षा का कार्य अनुभव हो। तो इसलिए आपका बहुत प्रोसेस से चल रहा है, और अपनी तैयारी जोरदार रखो, देखो कहाँ पर कमी है, क्योंकि कमियाँ तो बहुत हैं। और ज़्यादा चिल्ला चूट वो लोग कर रहे हैं जिनकी तैयारी नहीं है, जिनकी तैयारी है वो आराम से लगा हुआ है, लगे रहो, अपने आप को चेक करते रहो कहाँ पर हो कहाँ पर नहीं हो, कितनी तैयारी है कितनी तैयारी नहीं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर, सर पेपर कब हुआ, मैं टेस्ट सीरीज की लिंक दे के पूछता हूँ कितने नंबर आए, शर्मा के बोल देते सर 62 नंबर आए। तुम्हारा पेपर हो ना हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि तुम बेरोज़गार थे, बेरोज़गार हो और बेरोज़गार रहोगे। और जो पढ़ने वाला है, जो टेस्ट लगा रहा है, जिसके 75, 77, 78, 80, वो अपने आप में लिख दे कि इस बार हम इतिहास रचेंगे। याद रखना, लगातार कम से कम 10 टेस्ट में आपके 75 से 80 नंबर चौहान एकेडमी के टेस्ट में होने ही होने चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपके बदन में खाकी सजे। इतना ज़रूर करना पड़ेगा, बाकी तो हवा हवाई।